सरकार द्वारा दिए जाने वाले गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले डिपो होल्डर की कार गुजारियों के विरोध में सैकड़ों लोग फरीदाबाद के लक्ष्य सचिवालय पहुंचे और वहां उन्होंने विभाग के अधिकारियों के और डिपो धारक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही डिपो होल्डर की धांधली नहीं रोकी गई तो अगली बार वो नेशनल हाईवे पर जाम कर देंगे। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के पंचायत भवन स्थित लक्ष्य सचिवालय का है, जहाँ सैकड़ों लोग सुभाष कॉलोनी के राशन डिपो होल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि डिपो होल्डर अधिकारियों के सिर पर ठीकरा फोड़कर उन्हें कम राशन दे रहा है और अधिकारियों को इसके लिए दोषी भी बता रहा है। लोगों का कहना है कि 20 किलो गेहूं मिलने वाले उपभोक्ताओं को यह डिपो होल्डर 10 किलो गेहूं ही देता है और इसके अलावा सरकार की तरफ से मिलने वाले किसी भी सामान को लोगों तक नहीं पहुँचाता। कई बार इस मामले की शिकायत अधिकारियों को भी की जा चुकी है, लेकिन आज तक अधिकारियों ने इस डिपो होल्डर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लोगों की माने तो कम राशन देने के लिए वह अधिकारियों का दोषी है। वहीं डिपो होल्डर की माने तो राशन उसके पास आता है, वह जनता को सप्लाई कर देता है, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। भैया हम क्यों है राशन ना मिले नहीं हो आए? क्या हुआ है? कुछ भी देता ही नहीं है, कार को फेंक के मार देता है। कौन कौन है राशन बांटने वाला आपका? वो है सतदेव। सतदेव पहले था चौहान। हाँ। ना चौहान ने दिया और ना सतदेव दे रहा, फिर भी थोड़े बहुत देता है ना। जी नहीं, क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि तहसील जाओ चढ़वा के ला, तुम्हारा काट दिया। काट दिया यानी धमकी? हाँ जी, कहीं भी चले जाओ, 1000 रुपया दो जब चढ़े वो, यानी रिश्वत में मांगते हैं 1000 रुपया दो जब चढ़े वो। मैं इसलिए आया हूँ जी कि हमारे यहाँ जो सत्र डिपो है वो ना तो गेहूँ देता है पूरे कभी भी, और देता भी है तो बोलता है कि 20 किलो गेहूँ आया है, 18 किलो आया, 30 किलो में, 40 किलो में, पैसे पूरे लेता है। ठीक है जी, किसी किसी महीने नहीं भी देता है, ना किसी को दाल देता है ना चीनी देता है। ठीक है जी, गेहूँ हमने ब्लैक करते हो हर महीने उसको देखते हैं, 15 से 20 बोरी हर महीने गेहूँ ब्लैक करता है। जब हमने सबूत के साथ उसकी वीडियो बनाई, गेहूँ लोड कराते हुए देखा, तब हमने उसको जाके आज यहाँ खादापुर विभाग में कंप्लेंट देने आए कि गरीबों को गेहूँ जो मिलना चाहिए वो गरीबों को न देकर ब्लैक किया जा रहा है चक्कियों पे। ये तो जी गलत आरोप है कि अगर दो एक जो अपने मेरे खुद का राशन कार्ड है, मेरा खुद का राशन कार्ड है, मेरे भाई का राशन कार्ड है और मेरे पापा का भी राशन कार्ड है, तीन कार्ड तो हमारे यहाँ, अगर मैं उसको उठा के अगर चक्की पे भी पहुँचाता हूँ, ये तो एक राजनीतिक मामला है। कुछ लोग जो है जिन लोगों ने गलत तरीके से कार्ड बनाए थे, उन लोगों के कार्ड मैंने चढ़ाने से मना कर दिया, जिसके कारण वो मेरे ऊपर ये राजनीति फैला रहे हैं। आपकी वीडियो क्लिक हुई है आप वीडियो है, मेरा खुद का राशन, मेरा खुद का जो राशन था, मेरा खुद का राशन भी था। मैंने एक बैग तो मैंने किसी उसको दिया है, क्या नाम है, शनिवार के दिन, क्या नाम है, उनको दिया है जो भंडारा कराने गए थे। ठीक है, बैग का एक बैग दिया मैंने उनको, पचास किलो मैंने अपनी तरफ से दिया है, भंडारा कराने के लिए गए थे। इतने 60-65 किलो तो हमारा खुद का बनता है अपना। ठीक है जी, दो एक ग्राहक ऐसे थे जिनका इकट्ठा हुआ था, पर्ची कटी पड़ी थी जिनकी, अंगूठा लगा गए थे और दो तीनों ने कहा कि हम इकट्ठे ले जाएंगे वो अपना, तो उनको मैंने पूरा बैग के बैग दे दिए हैं, जिसकी इन्होंने गलत तरीके से वीडियो बना के मार्केट में इस तरह से दे सकते हो बैग। अगर उनका 50 किलो राशन बन रहा है तो मैं पूरा बैग दे सकता हूँ, क्या दिक्कत है?